सब कुछ है यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि शैतान की युक्तियों से कैसे बचा जाए, कैसे शैतान का सामना किया जाए, बुराई से आखिर कैसे लड़ा जाए। बहुत सारे भाई आकर पूछते हैं कि फादर जी, हम नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हम बहुत सारी बुराइयों से आज़ाद होना चाहते हैं, परंतु हम हो नहीं पाते हैं। और संत पौलुस भी इसके विषय में यही कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर डालता हूँ। तो शैतान से लड़ने का उपाय क्या है, उसकी युक्तियों से लड़ने का उपाय क्या है, उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। ये जनों, सबसे पहला उपाय बाइबल हमें बताती है, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो अपने शत्रु शैतान का सामना करने का सबसे पहला उपाय यह है कि प्रभु की अधीनता को स्वीकार करना, प्रभु के वचन की अधीनता में रहना, उसके अनुग्रह को अपने परिवार में और जीवन में नित्य प्रतिदिन अनुभव करना और वो आपके सामने से भाग जाएगा। ये पवित्र बाइबल याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 हमसे वादा करता है। संत पौलुस पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखता है कि आप लोग संयम रखें और जागते रहें। यह दूसरा उपाय है, अपने शत्रु शैतान का सामना करने का दूसरा उपाय यह है कि हमें संयम रखने की आवश्यकता है और जागते रहने की आवश्यकता है और प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए आप लोग विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। तो अपने शत्रु से लड़ने का एकमात्र उपाय यह है कि आप विश्वास से परिपूर्ण रहें। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे वचन हमें बताता है कि अब आप लोग ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें, जिससे कि आप शैतान के अग्निमय बाणों को बुझा सकें। इसलिए आप लोग मुक्ति का टोप धारण करें, विश्वास की ढाल आप लिए रहें, शांति सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनकर, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर, सत्य का कमर बंद कसके आप लोग आगे बढ़ें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना कर सकें। बहुत ही शक्तिशाली वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान से और बुराई से और हर नष्ट कर देने वाली चीज से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि ईश्वर के हथियार लेकर आप लोग आगे बढ़े। और ईश्वर के हथियार बाइबल हमें बताती है, विश्वास, मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन, सत्य का कमरबंद, शांति सुसमाचार, उत्साह के जूते। यदि एक विश्वासी के जीवन में प्रियजनों ये हथियार हैं, तो वो शैतान का सामना कर सकता है, उसकी धूर्तता का, उसके षड्यंत्रों का सामना वो कर सकता है और उसके अग्निमय बाणों को बुझा सकता है। चौथा उपाय शैतान का सामना करने का, कि आप लोग उससे बातचीत ना करें। डोंट कॉन्वर्स विद ईवल, कि बुराई से आप बातचीत ना करें, शैतान की युक्तियों को ना तो सुने और ना ही उन युक्तियों को बनाने में लोगों का साथ दें। याद कीजिए उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-2 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने सांप का रूप धारण किया और वो अदन वाटिका में आ गया
और हेवा को उसने लुभाना शुरू किया, उसे प्रलोभन देना शुरू किया। और पवित्र बाइबल इसके विषय में हमें बताती है कि ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा है, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, ईश्वर जानता है यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया, उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने शत्रु के वश में तब पड़ जाते हैं जब आप उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप शैतान से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके द्वारा संचालित किसी भी गतिविधि या बुराई के साथ समझौता ना करें, आप उससे बातचीत ना करें, अन्यथा वो अपने फंदे में आपको फंसा लेगा और आप उससे हार जाएंगे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व यीशु मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में बताया कि शैतान का मुख्य उद्देश्य क्या है। और यीशु यूं कहते हैं कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मानव पुत्र इसलिए आया है कि तुम जीवन प्राप्त करो, संपूर्ण जीवन प्राप्त करो। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति अपने खेतों में बीज बोने के बाद घर में आकर सो गया और जब सब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और उसके खेतों में जंगली बीज डालकर चला गया। वो सोता रहा और उसे मालूम नहीं चला। उसके सेवकों ने उससे पूछा कि मालिक, आपने खेतों में अच्छा बीज बोया था, फिर ये जंगली बीज कहां से आ गया? उसके मालिक ने उन्हें उत्तर दिया, यह किसी बैरी का काम है। ठीक प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह से बैरी आपके जीवन में, परिवार में, रिश्तों में आकर जंगली बीज बो देता है और हमारे जीवन को नष्ट करने लगता है। तो शैतान की धूर्तता का सामना करने का उपाय यह भी है कि आप उससे बातचीत ना करें। यदि हेवा शैतान से बातचीत ना करती, उसकी बातों पर अमल ना करती, उन पर विश्वास ना करती, असमंजस में ना आती, तो प्रियजनों, वो पाप नहीं करती, वो उसके प्रलोभन में फंस गई, क्योंकि हेवा ने उससे बातचीत करना प्रारंभ किया। और जैसे ही वो बातचीत करना प्रारंभ करती है, उसके मन में अनेक प्रकार के विषय उठने लगते हैं। अच्छा होगा, नहीं होगा, हम अच्छे दिखने लगेंगे, हम परमेश्वर के जैसे दिखने लगेंगे। इसलिए जो उसके पास था वो उसके विषय में भी भूल जाती है। उसके पास ईश्वर का प्रतिरूप पहले से ही था और बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने आदम को अपने प्रतिरूप बनाया था, वो तो पहले से ही ईश्वर के जैसे थे, लेकिन ईर्ष्या के कारण शैतान उन्हें परमेश्वर की संगति से अलग करना चाहता था। इसलिए उसके साथ जाकर बातचीत करता है और उन्हें प्रलोभन देता है और वह प्रलोभन में गिर जाते हैं। बाइबल बताती है कि शैतान तो झूठ का पिता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44, वो ये कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, सब कुछ यूं ही चलता है, वह पवित्र नहीं है, गर्भपात कोई बात नहीं है, गलत रिश्ते कोई बात नहीं है, मारना, चोरी करना, नष्ट करना, ये उसका व्यक्तित्व है, ये उसका उद्देश्य है, ये उसका कार्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी मेरे लिए पवित्र बनो।
मेरा नाम सत्य है, वो सत्य का परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हम लोगों को भी सत्य की ओर लेकर जाना चाहता है, प्रकाश की ओर आमंत्रित करता है। हम सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ें, वो इस विषय पर हमें समझाना और बताना चाहता है। एक और विशेष उपाय शैतान की धूर्तता का सामना करने का ये है कि आप लोग उपवास करें और प्रार्थना करें। आप लोग उपवास करें और प्रार्थना करें। पारिवारिक बंधनों को तोड़ने का एकमात्र उपाय उपवास और प्रार्थना है। शैतानी बंधनों से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से आजाद होने का एकमात्र उपाय प्रार्थना और उपवास है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने यह कहा कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। इसलिए विश्वासी को परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हुए प्रार्थना में लगे रहना अनिवार्य है। उपवास के साथ शैतान की धूर्तता का सामना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे शरीर पर वार करता है। इसलिए वो हमारे शरीर को इस तरह से नाजुक बना देता है कि ये शरीर वासना की ओर संचालित होता है। इसे भूख लगती है, ये तड़पता है, इसमें दर्द होता है, और उस चीज को मिटाने के लिए, इन दर्दों को मिटाने के लिए, उन सारी वासनाओं को पूरा करने के लिए ये शरीर से गलत कार्य करवाता है। प्रियजनों, शैतान को मालूम है कि आत्मा बचाई जा सकती है। परमेश्वर हमारी आत्मा की रक्षा करता है, हमारी आत्माएं बचा ली जाएंगी। इसलिए वो हमारे इन तमाम जीवन में हमारी आत्मा को भी नष्ट करने का प्रयास करता है, और आत्मा को नष्ट करने का जो उसके पास उपाय है वो है ईर्ष्या, वो है क्रोध, वो है गर्भपात, वो है प्यारे भाइयों और बहनों आत्माओं का विनाश। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खो जाए, एक भी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए। इसलिए संतों के जीवन में एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रभु के लोगों की आत्माओं को कैसे बचाया जाए, आत्माओं को परमेश्वर की ओर कैसे अभिमुख किया जाए, उन्हें कैसे परमेश्वर की ओर लाया जाए। इसलिए शैतान की युक्तियों को जानने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति यदि क्रोध अपने जीवन में बनाए रखता है, ईर्ष्या से, अहंकार से भरा हुआ है, तो वो कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है, वो कभी भी ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अहंकारी और घमंडी, बाइबल कहती है, ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध है वह आशीषों को ब्लॉक किए रहता है, क्योंकि क्रोध मन को खा जाता है और ईर्ष्या आत्मा को खा जाती है। क्रोध मन को खा जाता है और ईर्ष्या हमारी आत्मा को खा जाती है। ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप का वेतन मृत्यु है। सबसे पहले स्वर्ग में इबलीस ने परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उनसे ईर्ष्या के कारण वो दूर चला गया। उसने अपने प्यादों से कहा कि तुम लोग मेरी आराधना करो, ईश्वर की आराधना नहीं। ईर्ष्या के कारण वो पाप में गिर गया और इस दुनिया में मृत्यु आ गई। इतना ही नहीं, शैतान से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि आप लोग सत्य बोलें, आप लोग उन बातों को बोलें जो कि दूसरों को जीवन प्रदान करती है। सकारात्मक सोच के साथ परमेश्वर के वचनों को दोहराएं और एक दूसरे के लिए आशीर्वाद का कारण बने, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आशीर्वाद और मृत्यु, आशीर्वाद और श्राप दोनों हमारी जुबान के अधीन किया है। यदि हमारी जुबान आशीष का कारण बनती है तो लोग इससे आशीष प्राप्त करेंगे, और यदि ये श्राप देती है तो लोग इसके द्वारा श्रापित हो सकते हैं। तो सत्य बोलकर शैतान का सामना करना और आप विजय प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के तले डाल देगा और आपको आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में कि बच्चों तुम लोग ईश्वर के हो, बच्चों तुम लोग ईश्वर के हो,
जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करना कि आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके अनुग्रह के पात्र हैं, आप लोग उसके अपने बच्चे हैं, आप लोग उसके द्वारा बुलाए गए, निमंत्रित किए गए, पवित्र किए गए लोग हैं। इसलिए संत पौलुस यौवन के पहले पत्र में लिखता है कि बच्चों, तुम लोग ईश्वर के हो, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। आप लोगों ने उसके ऊपर विजय पाई है, शैतान की हर बात पर विजय पाने का आपको सामर्थ्य दिया गया है। संत पौलुस कहता है कि आप लोगों को ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं दिया गया है जो आपकी शक्ति के परे हो। इसलिए आप बड़ी दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। एक और विशेष उपाय जो बाइबल हमें बताती है, अफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27, कि शैतान को आप लोग अवसर ना दें। यदि आप उसे अवसर देंगे वो आपके घर में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अक्सर हमारे जीवन में किसी बुराई की जब शुरुआत होती है तो वो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो बुराई आदत बन जाती है तो एक बड़ा रूप ले लेती है और जीवन को नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू करता है तो वो थोड़े से नशे से उसकी शुरुआत करता है। एक ड्रग्स लेने वाला हो सकता है पहली बार उस नशे को सेवन करे या उस नशीले पदार्थ को सेवन करता है और वह उसको अपने ही रंग में रंगने लगती है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ने लगती है और उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका मन नष्ट होने लगता है और वह परमेश्वर से दूर चला जाता है। शैतान से लड़ने का एक और उपाय है प्यारे भाइयों और बहनों, कि ईश्वर की इच्छा पर चले, और ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, बुराई से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, आप लोगों का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन पवित्र हो, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, एक दूसरे के प्रति अपने वादों को निभाएं, वादा खिलाफी ना करें, झूठ ना बोलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को क्षमा करें, और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं पनपेगी, नकारात्मक बातें कभी नहीं आएंगी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग पवित्र बने और बुराई से दूर रहें। तसलेनिकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे प्रभु का वचन हमें इस बात को समझाने का प्रयास करता है। क्षमा करना तो आपको भी क्षमा मिलेगी, प्रेम करना और आपको भी प्रेम किया जाएगा। प्रभु पवित्र हैं, इसलिए उसके लिए पवित्र बनना, ये परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। हम में से बहुत सारे लोग शैतान की धूर्तता का सामना करने में असमर्थ इसलिए रहते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं। घर में प्रार्थना का अभाव है, उपवास का अभाव है, सत्य का अभाव है, इसलिए शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन में प्रवेश करने का। तो बाइबल हमें बताती है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में कि अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। इसलिए प्रियजनों, हमें इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में विजयी व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा विजयी बनाया है, उसने हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान किया है जिससे कि हम उसकी कृपा में निरंतर बढ़ते रहें। प्रियजनों, अक्सर हम लोग अपने जीवन में डर जाते हैं, हमारे अंदर भय का दुष्ट आत्मा काम करता है और हम अविश्वास की ओर बढ़ने लगते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है, हम बाइबल के वचनों पर वाद विवाद करने लगते हैं, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और वे यीशु मसीह की दिव्यता पर शक करने लगते हैं।
इन तमाम बातों से शैतान को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इज़राइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता है। गणना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 23 में ये वचन स्पष्ट करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, घबराना मत, तुम मुझ में विश्वास करना और ईश्वर में विश्वास करना जिसने मुझे भेजा है, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं जाकर आप लोगों को संदेश सुनाऊं, आप लोगों को रिहा करूं, आप लोगों को उद्धार दिलाऊं, आप लोगों के लिए प्रायश्चित करूं। मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। इसलिए मसीहों को, विश्वासियों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह हमें आत्मविश्वास दिलाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है, परंतु आनंदित मत होना कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, शैतान तुम्हारे अधीन है। आनंदित इसलिए होना क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने आप को प्रभु के पवित्र लहू से संरक्षित करना, सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को प्रभु के पवित्र सामर्थ्य लहू से विलेपन करना, और अपने घर को भी विलेपन करना और क्लेम करना कि प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हैं, प्रभु यीशु आप मेरे गडरिया हैं, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के मुखिया हैं, प्रभु यीशु आप मेरे परिवार के मुखिया हैं, इसलिए मुझे संचालित कीजिए, आज मेरे मन, आत्मा, हृदय पर, मेरे विचारों पर अधिकार लीजिए, और मेरा जीवन, मेरी बातें, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना आपके जैसे बन सके। और वो हमें आशीष प्रदान करेगा, वो हमें जीवन प्रदान करेगा, प्यारे भाइयों और बहनों। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ, उसके पवित्र पांच घावों की योग्यता से शैतान की धूर्तता का सामना कर पाएंगे। और बाइबल कहती है, रोमियो के पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शक्तिशाली, सामर्थ्यवान वचन है, और प्रभु इसमें हमसे वादा करता है कि शक्तिशाली परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही आपके पैरों के तले डाल देगा और कुचल देगा, और परमेश्वर का अनुग्रह, ईसा मसीह का अनुग्रह आप लोगों पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहेगा, बशर्ते कि हम पवित्रता में जिएं, बशर्ते कि हम सत्य बोलें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों को अपने जीवन में धारण करें, पवित्रता का जीवन बिताएं, और उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम आगे बढ़ते जाएं। आज के ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष प्रदान करें, और हम शैतान की धूर्तता का सामना करने में हमेशा समर्थ बने रहें। आमीन।